Srinagar to Jammu. Spice jet. इस वक्त हम बड़गांव के ऊपर से उड़ रहे हैं, जहां एयरपोर्ट है शेखुलाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिला बड़गांव में पड़ता है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। श्रीनगर में कुछ दिन पहले ही बड़ी भारी बर्फबारी हुई थी पहाड़ी इलाकों में। गुलमर्ग पहलगाम में भी जो है वो बर्फबारी हुई थी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बर्फबारी की वजह से बंद हुआ था। सोनमर्ग में भी बर्फबारी हुई थी। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। श्रीनगर के शहर के ऊपर से अब हम उड़ते हुए जो आसपास के इलाके हैं श्रीनगर के, वहाँ से उड़ते हुए और ये जो प्लेन है वो टर्न करेगा श्रीनगर के ऊपर से होते हुए जो है बानाल की तरफ से जाते हुए तो फिर जम्मू जो है हम पहुँचेंगे। अब यहाँ से टर्न करेगा ये जहाज अपनी गांव से होते हुए बानाल से होते हुए जम्मू पहुंचेगा। आप बर्फ से ढके हुए ये पहाड़ देख सकते हैं कितने खूबसूरत कितने दिलकश कितने गोल्डन सन जैसे लग रहा है जब यहाँ पर धूप गिर रही है ऊपर से बर्फ में। आप देख सकते हैं दरियाए चिनाब जो है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। Off or flight mode for landing. Other electronic devices must be switched off at this time. User
था जैसे कि अब हम जम्मू की तरफ जो है वो जा रहे हैं और जम्मू के ऊपर से इस वक्त उड़ रहे हैं, तो कुछ ही देर में जो है वो ये जहाज लैंडिंग करेगा जम्मू एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हो नेशनल हाईवे जो है वो दिखाई दे रहा है वीडियो में। देख सकते हैं आप, इस वक्त हम जम्मू के ऊपर से हैं। जहाज टच कर रहा है और ये हम रनवे पे उतर रहे हैं। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं जम्मू। आपका स्वागत है, आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद को एक बार भेजने तारीख समय से पहले उड़ान पूरा करने का कह दिया। अब हम जम्मू पहुंच गए हैं। 35 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। यात्रा से संबंधित फीडबैक के क्षेत्र से आगे दिल्ली जाने वाले यात्रियों से निवेदन है, निर्धारित स्थान पर बैठे रहे। वह सभी यात्रियों से निवेदन है अपने बोर्डिंग पास हमारे सुरक्षा अधिकारी से जांच कराने के लिए तैयार रखें। साइशक के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हुए अपनी यात्रा भी हमारे साथ करेंगे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को उनकी अगली यात्रा के लिए हमें रिकमेंड करेंगे। आपका